किशन कुमार की इकलौती औलाद थी तीशा, हर वक्त बनी रहती थी पापा का साया। 2 महीने बाद ही मनाने वाली थी 21वां जन्मदिन। कैंसर ने बेवक्त छीन ली तीशा की सांसें। जवान बेटी के जाने से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। यूं तो किसी भी अपने का दुनिया छोड़कर चले जाना पूरे परिवार को तोड़ जाता है, लेकिन जवान औलाद का बेवक्त काल के गाल में समा जाने का दर्द माँ बाप को जीते जी मार देता है। और बेइंतहा दर्द का ऐसा ही पहाड़ टी सीरीज के को ओनर किशन कुमार और उनके पूरे परिवार पर टूटा है। 18 जुलाई को किशन कुमार और उनकी पत्नी तान्या ने अपनी बेटी तीशा को खो दिया। वो बेटी जो उनकी इकलौती औलाद थी और उनकी खुशियों की अकेली वजह थी। जी हाँ, किशन कुमार और तान्या सिंह की इकलौती बेटी थी तीशा सिंह, अपनी माँ की सहेली तो पापा किशन की लाडली। तीशा में किशन और तान्या की जान बसती थी, यहाँ तक कि माँ तान्या और पापा किशन ने अपने नाम के अक्षरों से मिलाकर बेटी को तीशा नाम दिया था। तो तीशा भी हमेशा अपने पापा और मम्मी का साया बनी रहती थी, लेकिन माँ बाप की ये मासूम लाडली कैंसर से हार कर ये दुनिया छोड़ गई है और पीछे रह गए अपने मम्मी पापा की आंखों में हमेशा हमेशा के लिए आंसू दे गई है। दुखद बात तो ये है कि तीशा के 21वें जन्मदिन के आने में 2 महीने से भी कम वक्त बचा था, लेकिन कैंसर के चलते बेवक्त ही तीशा काल के गाल में समा गई। खबरों के मुताबिक लंबे वक्त से तीशा कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। शुरुआत में उनका इलाज मुंबई में ही चल रहा था, लेकिन बाद में किशन कुमार अपनी बेटी को एडवांस इलाज के लिए जर्मनी ले गए थे। जर्मनी के एक मशहूर हॉस्पिटल में तीशा का इलाज चल रहा था, लेकिन 18 जुलाई को इलाज के दौरान ही तीशा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तीशा के निधन के एक दिन बाद टी सीरीज के स्पोक्स पर्सन ने एक स्टेटमेंट जारी कर परिवार की प्राइवेसी की डिमांड की, जिसमें लिखा था कि किशन कुमार की बेटी तीशा कुमार का बीमारी से लंबी लड़ाई के बाद कल निधन हो गया। ये पूरे परिवार के लिए बेहद मुश्किल समय है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे समय में परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। तीशा की बात करें तो इतने बड़े फिल्म घराने से होने के बावजूद तीशा लाइमलाइट से दूर रहती थी। सोशल मीडिया पर तीशा एक्टिव थी, लेकिन मीडिया अटेंशन और लाइमलाइट से दूर रहने के लिए तीशा ने अपने अकाउंट को प्राइवेट किया हुआ था। तीशा जब भी पब्लिकली स्पॉट हुई तो वो हमेशा अपनी माँ या फिर पापा के साथ ही नजर आती थी। आखिरी बार तीशा बीते साल रिलीज हुई फिल्म एनिमल की स्क्रीनिंग पर स्पॉट हुई थी। तब तीशा ने पापा किशन कुमार के साथ रेड कारपेट पर पोज भी दिए थे। उस वक्त किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि सिर्फ 8 महीने बाद ही तीशा को लेकर इतनी दुखद खबर सामने आएगी। तीशा के निधन से टी सीरीज फैमिली शोक में है और आने वाले 5 दिन तक के लिए सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।